हाय फ्रेंड्स, आप सभी बढ़िया होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो है वो वेनेसडे है, तो आज की जो अर्निंग्स है वो मैं कहूँगा कितनी हुई है और कितनी होनी चाहिए थी। तो ग्लास थोड़ा ओपन था तो उसको क्लोज कर लिया मैंने, थोड़ा उजाला आ जाती है भाई, इसको ऑफ कर देता हूँ, इसको भी ऑफ कर देता। तो अर्निंग्स जो है हमारी वो आज अच्छी खासी हुई है। आज हमने तीनों में जो है वो राइड कंप्लीट किए है, उबर, ओला और अपना जो रैपिडो है उसमें। तो वीडियो बनाने के लिए मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि जब भी आप गाड़ी चलाते हैं, बेंगलोर में आते हैं, ड्यूटी ज्वाइन होते हैं, तो बेंगलोर में गाड़ी चलाना कोई ईजी टास्क नहीं है। जब भी ट्रैफिक बढ़ता है तो आपको प्रेशर रहता है, टेंशन रहता है, ड्रॉप करना होता है, भूख भी लग सकती है, प्यास भी लग सकती है, उसमें ड्राइविंग करते रहना चाहिए। क्लच पे से पैडल नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है वो इलेक्ट्रिक नहीं है, तो इसमें क्लच है तो पैर की वाट लग जाती है गाड़ी चलाने में। तो मोस्टली जो ट्यूसडे के दिन है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है इधर, तो चलाने के लिए थोड़ा परेशानी और प्रॉब्लम होती है। इस वजह से क्या है, थोड़ा वीडियोज़ जो है वो स्किप हो रहे हैं मेरे। कोशिश करूँगा मैं कि कंटिन्यू डाल पाऊँ वीडियो, हर ट्रिप की जानकारी जो है वो आपको मैं दे पाऊँ किधर से किधर तक थी। तो आज जो है वो अर्निंग 3500 रुपीस अभी तक हुई है। अभी टाइम हो रहा है 9:13, अभी मैं वर्तूर में खड़ा हूँ, तो देखेंगे इधर से कहाँ की ट्रिप मुझे मिलेगी। तो देखता हूँ नेक्स्ट ट्रिप, उसके बाद में टोटल अर्निंग की जो वीडियो है वो अभी मैं आपको इसमें बताते रहूँगा कि टोटल कितना हुआ आज वेनेसडे के दिन। और सॉरी कहना चाहता हूँ गाइस मेरे फॉलोअर्स को, जो भी वीडियोस मेरे देखते हैं उनके लिए वीडियो डालने की ज़रूर मैं अच्छी से कोशिश करूँगा, अच्छे से बना के एक प्रॉपर वे में। और भी एक दो तीन वीडियोस एडिट करना मेरा बाकी है, तो वो एडिट करने के बाद उसको भी मैं जो है वो अपलोड कर दूँगा अपने चैनल पर। आप देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो जो लेटेस्ट वीडियो डालता हूँ डालूँगा, उसका भी नोटिफिकेशन जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो मैं ये कह रहा था कि अभी हमारा जो CNG का कॉस्ट है वो कितना होता है और कितना प्राइस जो है वो हमें बचता है, वो आज अब हम जो है वो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। जो CNG का जो कॉस्ट है समथिंग यहाँ पे 83.25 रुपीज़ हमें पड़ता है पर KG। तो KG के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 9 to 10 KG हमारा जो कैपेसिटी होता है, गाड़ी के जो गैस होता है उसका कैपेसिटी होता है। तो लगभग हमें CNG जो है वो दिन भर में, अगर आप मान के चलो 3000 रुपये आपको अर्निंग करनी है, ट्रैफिक कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, तो उस हिसाब से आप एवरेज मान के चलो 1000 रुपये का CNG जो है वो आपको लगता है। अगर आपको 3000 रुपये पर डे आपको अर्निंग्स करनी है तो 1000 रुपये उसमें लग जाएगा आपका, तो बचे आपको 2000 रुपये बचेंगे। तो 2000 रुपये में आपको निकालना होता है फूड का, तो फूड का निकालना होगा आपको, और आपको चाय पानी जो भी आपका खर्चा होता है नॉर्मली उसका भी पैसा आपको निकालना पड़ेगा। तो लगभग उसका मान के चलो आप एक 200 रुपीज़ मान के चलो, तो आपको बचा 1800 रुपीज़। तो 1800 रुपीज़ में आपको EMI, अगर आपकी गाड़ी EMI पे है तो आपको EMI निकालना पड़ेगा, और जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का भी रेंट जो है वो आपको निकालना पड़ेगा। आप सोचते होंगे कि मैं 3000 अर्निंग कर रहा हूँ, 2500 कभी वीडियो बना के डाल रहा हूँ, 2700 कभी बना के डाल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता। इतना सब कॉस्ट हमें निकालना पड़ता है, उसके बाद जो बचता है वो हमें यूज़ के लिए होता है, आप उसको घर के लिए कुछ वगैरह कुछ खर्च सकते हो। तो कुछ इस तरीके से अर्निंग होती है। अगर आप किसी को भी गलत फहमी है इतना मैं कमाता हूँ इतना बचता है, तो वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। खर्च होने के बाद, वीक होने के बाद पूरा पैसा जो है वो खाली हो जाता है, बिल्कुल उतना पैसा नहीं बचता है, कुछ थोड़ा अमाउंट बचता है, उसमें भी जो है वो गाड़ी का मेंटेनेंस के लिए अलग से पैसे काट के रखना होता है हमें। तो कुछ इस तरीके से जो है वो अर्निंग्स में करता हूँ मैं। एक्चुअली कोई भी उबर ड्राइवर हो या ओला ड्राइवर हो, कुछ इसी तरीके से यहाँ पे फॉलो करता है। तो कुछ 4-5 दिनों से लगातार यहाँ पे साइक्लोन की वजह से बेंगलोर में जो है वो बारिश हो रही है। अगर आप बेंगलोर से है तो वीडियो मेरा देख रहे हैं तो जो पानातूर का रास्ता है
वहाँ पे मत जाइएगा आप, क्योंकि उधर बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकेज है और बहुत टाइम लगेगा आपको। आप उससे अच्छा काम कीजिए, सरजापुर या फिर मारथल्ली का रोड जो है वो बिल्कुल बढ़िया है, वो जो रोड है आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको किधर भी इधर ट्रिप पड़ती है तो। जो पानातुर का रोड है वो अवॉइड कीजिए, ताकि मैं वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस किया हूँ, क्योंकि परसों एक कस्टमर को मैं पिक किया था लगभग 10 बजे, तो उसको ड्रॉप करने के लिए मुझे टाइम हो गया 1 बज गए, तो कस्टमर इरिटेट हो रहा था, परेशान हो रहा था, उतना ज़्यादा उधर ट्रैफिक है और इतने ज़्यादा वहाँ पे आपको खड्डे मिलेंगे, उसमें भरा हुआ पानी मिलेगा जहाँ पे आपके गाड़ी के बम्पर को भी लग सकता है और बम्पर निकल भी सकता है, वो उतना पोजिशन में उतना वहाँ का रास्ता जो है वो ख़राब है। तो आज की जो अर्निंग है वो 3,500 अब तक की हुई है, तो अभी आगे देखेंगे कितनी अर्निंग हो पाएगी, अभी टाइम है हमारे पास, तो रूम तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीकी है, तो उधर कोशिश करूँगा उधर की कोई एक ट्रिप लेने का। ट्रिप लेने के बाद उधर हम चले निकलेंगे अपनी मंजिल की तरफ, तो कल से फिर देखेंगे, कल से वीडियो बनाने की फुल ट्राई करूँगा सुबह से, आज उतना टाइम नहीं हुआ मुझे सुबह जमा नहीं, क्योंकि थोड़ा फ्रेंड आया था तो उसके मिलने के चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी ट्रिप मैंने कहाँ कहाँ की ली थी, तो अभी देखिए कि कौन सी ट्रिप कहाँ की ली ली थी और कितना प्राइस मुझे मिला है उस ट्रिप की वजह से। तो चलिए अभी देखते हैं जस्ट। तो जैसे कि उबर में देख लेते हैं सबसे पहले, तो ड्यूटी जो है वो ऑन है, तो यहाँ पे हमें इंसेंटिव भी दिया है उबर ने, अगर 6 ट्रिप्स हम कंप्लीट करते हैं तो 210 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन हमने 3 ही ट्रिप्स इसमें कंप्लीट की है, तो इस वजह से इसका कोई चांस नहीं, मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। तो अर्निंग्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1,212 रुपये हो चुके हैं, 3 ट्रिप्स मैंने इसमें ली थी, तो कौन सी ट्रिप कहाँ के लिए थी वो मैं आपको अभी जस्ट यहाँ पे शो करता हूँ। तो कुछ ये रहा डेटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट जो ट्रिप मिली थी वो हमें HSR के लिए मिली थी, तो वर्तूर से मैं HSR गया था, उसका जो ये प्राइस मिला है 562 रुपीज़ मिला है। सेकेंड वाली जो है वो एयरपोर्ट के लिए थी, सॉरी हाँ एयरपोर्ट के लिए ही थी, उसमें जो है वो 329 रुपीज़ मिला है, वो वहाँ से पिकअप किया था मैं, क्योंकि एयरपोर्ट जब मैं गया था ओला में गया था तो उबर से पिक करके आया था, 329 रुपीज़ मिला है मुझे इसमें, बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट दिया है इसमें उबर ने मुझे, चलता है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कस्टमर ने राइड कैंसिल कर दी और एक राइड जो है वो यहाँ पे मैं आ गया शांति नगर से पुलिस स्टेशन नगर के लिए, 319 रुपीज़ मिला है मुझे, इंक्रीज़ करके दिया है उबर ने, कस्टमर ने तो पे सिर्फ 287 रुपीज़ किया था, तो ध्यान भी रखता है हमारा उबर, ऐसा नहीं है। तो यहाँ ऊपर और एक राइड है वो कैंसिल हो चुकी है, तो टोटल इसमें जो अर्निंग्स हुई है वो आज की 1,212 रुपये हुई है। तो चलिए अभी ओला में देख लेते हैं उसमें कितनी अर्निंग्स हुई है हमारी। तो ये रहा ओला, तो ओला भी मैं जस्ट ऑन करूँगा क्योंकि अभी फिलहाल तो ऑफ है, थोड़ा नेटवर्क स्लो है गाइस, थोड़ा मैनेज कर लीजिए, थोड़ा जल्दी आने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। हाँ तो ये आ गया फ्रेंड्स, तो जैसे कि यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं 981 रुपीज़ मिला है हमें, 2 राइड मैंने इसमें कंप्लीट किया है। तो जो फर्स्ट राइड है वो HSR से उधर ही मैं एक 5 किलोमीटर है समथिंग ऐसा गया था, उसमें मिला था 173 रुपीज़, और जो है नेक्स्ट जो है वो मैं एयरपोर्ट गया था उसमें मिला 807 रुपीज़, और एक ट्रिप मैंने ली थी ऐप के अंदर वो नहीं है, शो नहीं कर रहा है, वो ट्रिप मैंने अपने तरफ से पर्सनली ली थी, कोई एक पहचान के थे मेरे उन्हें छोड़ा मैंने, तो उसमें मुझे 725 रुपीज़ की अर्निंग हुई थी। तो अभी चलिए देखते हैं रैपिडो में कितनी हुई है, रैपिडो में जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टुडेज अर्निंग 587 रुपीज़, जो लास्ट ट्रिप मैंने कंप्लीट की है वर्तूर में, अभी मैं आया हूँ बानसवाड़ी से वर्तूर के लिए आया था मैं, तो 587 रुपीज़ दिया है मुझे रैपिडो ने, तो इसमें कमीशन कमीशन कुछ करता नहीं, उल्टा आपका कमीशन जो है वो सेव होता है। तो चलिए अभी देख लेते हैं हम कि टोटल कितना होगा हमारा,
एक 725 जो पर्सनल मैंने किया था और एक 1226 रुपीस प्लस 587 प्लस 981 तो कुछ 3500 की अर्निंग होती है यहाँ पे। तो अभी टाइम हो रहा है 9:22, तो देखेंगे अभी और कितनी अर्निंग्स होगी। अगर होती है तो मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। अभी तो चलिए देखते रहिए, लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिए, और जो भी नए से वॉच कर रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि जो भी वीडियोस डालूंगा उसको नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। लेकिन बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब वाला बटन गाइस, अगर आपको पता नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। तो अभी जस्ट जो है वो ड्यूटी मैंने ऑफ कर दिया है, तो मैं आ गया हूँ अपने रूम पे। तो अभी टाइम हो रहा है हमारा 10:22 हो रहा है। तो एक ही ट्रिप मैंने कंप्लीट की, सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर के लिए थी उधर से ही, तो तकरीबन उसमें 116 रुपये मिला है मुझे, 116 रुपीस मिला है, वो मैंने रैपिडो में कंप्लीट की। तो आज की जो ड्यूटी थी वो यहीं तक थी, तो टोटल हो गए हमारे 3500 समथिंग था, तो अभी 3650 रुपीस कुछ ऐसा हुआ है। तो टोटल जो अर्निंग है वो आज की वेनेसडे की इतनी थी। तो और भी वीडियो मैं बनाते रहूँगा, तो उसके बाद भी अर्निंग्स कितनी कितनी होंगी बताऊँगा आपको। एक मंथ होने के बाद टोटल करके देखेंगे कितनी अर्निंग हुई है एक्चुअल में हमारी, तो मंथली के हिसाब से। तो चलिए अभी ये वीडियो यहीं तक था लास्ट हमारा, तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय गाइस। और जो भी नए से देख रहा था इस चैनल को और वीडियो को, तो प्लीज़ फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले चैनल को। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।